हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाए हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले। डीएमके ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताकर बसपा सुप्रीमो मायावती को तगड़ा झटका दिया है। कुछ समय पहले तक सियासी गलियारों में मायावती को विपक्ष का पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की दबे जुबान से चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब यह लगता है कि तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाने की चर्चाएं गायब हो गयी है। बता दें कि तीन राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी का राजनीतिक कद बढ़ गया है। अब 2019 में अगर मुकाबला होगा तो वह मोदी और राहुल गांधी के बीच ही होगा। अब इसमें अगर विपक्ष सत्ता में आता है तो पीएम पद के उम्मीदवार राहुल गांधी ही होंगे। रविवार को डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बता डाला। सोमवार को सबसे पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी समेत यूपीए के कई घटक दल के नेता मौजूद थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत से सपा और बसपा को तगड़ा झटका लगा है। यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन जैसे ही इन राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई तो सपा बसपा ने समर्थन के लिए तुरंत हाथ बढ़ा दिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।